गुड मॉर्निंग, राम राम सभी भाइयों को और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी यूट्यूबर फैमिली को और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी लोगों को और जो न्यू सब्सक्राइब ज्वाइन होंगे उन लोगों को भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज तारीख है 19 और यहाँ पे बाहर दिल्ली पे आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और उत्तराखंड पर कल मनाई गई थी। तो अभी शिवांश और मैं बाहर जा रहे हैं कान्हा जी के लिए माला लेने के लिए और शिवांश को देख रहे कान्हा बन रखा है, पूरा कान्हा बन रखा है। तो अभी हम निकल रहे हैं मार्केट पे, आप बने रहना हमारे साथ वीडियो पे, हम आपको दिखाते हैं आज पूरा दिन कान्हा जी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो फाइनली आ चुका हूँ मैं जहाँ से माला लेता हूँ मैं हर रोज़। तो अभी भैया ने मेरे को ये तीन माला दे दी बना के और साथ में एक वो देखा दिया, यहाँ से कंटिन्यू माला ले जाता हूँ मैं इन भैया से। भैया हेलो बोल दो एक बार सारे यूट्यूब फैमिली को। ये भैया है और ये माता जी है। यहाँ से और मैं जा रहे हैं घर को, अब हम करेंगे घर जाके पूजा, उसके बाद मंदिर पे जाएंगे कृष्ण जी के और वहाँ पर पूरा भक्ति करेंगे और अपने कान्हा जी को आज अर्पण करेंगे अपना पूरा दिन। वैसे पूरा जीवन मैंने उनको अर्पण कर दिया अपना, क्योंकि ये जीवन ही उन्हीं का दिया हुआ है, मनुष्य का जीवन ही उन्हीं की देन है। तो इसलिए भक्ति मार्ग पे आना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं इस टाइम पहले की जो बात कर रहा हूँ मैं अपनी कुछ टाइम पहले की बात आज से, तो मेरे को इन चीज़ों से कोई मतलब था नहीं, इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों से, मगर मैं जब से यहाँ पर आया अपने जो भी हमारे यहाँ पे रहते हैं मकान मालिक वो काफ़ी भक्ति भावनाओं पे जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरे को बहुत ज्ञान मिला, बहुत सीख मिली, तब से मैं इस लाइन पे आ गया। और जब से इस लाइन पे आया हूँ तो मेरे को आनंद मिलता है और बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि भक्ति में कितनी वो होती है, शक्ति होती है और कितना आनंद मिलता है, कितना प्यार मिलता है। एक बार करके देख लो, सच्ची में करके देख लो। मेरे जैसा आदमी अगर इस लाइन पे आ सकता है तो भाई मैं आपसे यही बोलूँगा कि एक बार भक्ति ज़रूर करो, आपको पता लगेगा कि क्या क्या हमें इस चीज़ से मिलता है करके। जो चीज़ आप चाहोगे ना वो आपके चाहने से पहले ही आपको मिल जाएगी वो चीज़। आज देखो मार्केट पे ना केलों का जो रेट है बहुत आसमान गया है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो पहले 50 के एक दर्जन मिल जाता था, भैया ने मेरे को 60 के दे रखे हैं एक दर्जन। देखो केले भी काफ़ी अच्छे लाए हैं, मैं सारे मार्केट घूम के यहाँ पे देखा मैंने, बहुत अच्छे केले लाए। आंध्रा का बताओ इसी, आप भैया ने आपको बता ही दिया है क्या केला है और 34 रुपये किलो बिक रहा है, पर्ची भी दिखाऊंगा आज गौ माता केले खिला रहे हैं। ये देखो आज बच्चे सजा रखे हैं, आज खाने को बना रखे है। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं। फाइनली घर आके मैं अपनी यहाँ पे पूजा कर ली, मैंने कान्हा जी को अर्पण कर लिया है। एक ऊपर माता रानी की सुंदर तस्वीर है और आज मैंने कान्हा जी को यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हो कान्हा जी के सामने दूध सब अर्पण कर दिया है। और ये हमारे भोलेनाथ कान्हा जी का बेड हमारे, हरे कृष्ण हरे राम। अपने परम कल्याण के लिए मेरे दोस्तों सदा जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस और मग्न हो जाए पूरे आनंद में। अभी शाम के बजे है 5 और मैं जा रहा हूँ ऐसे ही मंदिरों पे, जितने भी श्री कृष्ण के मंदिर हैं यहाँ पे सब। ये देख लो, मैंने आपको बोला था ना मॉर्निंग के टाइम पे मैं यहीं पे आया था। ये मंदिर की सजावट है आज हमारे गली के यहीं पे मंदिर, देखो भाई कितना जगह बजरंग बली आपकी। अरे वैसे बड़े वाला था पिछली बार। अच्छा आप बगल की दुकान है सब, ठीक है। ये पालकी सजा लिए अभी पूरी से, वेट करेंगे 12 बजे का रात का, जैसे 12 बजेंगे तो कान्हा जी को यहाँ पे बैठा देंगे, फिर झूला झुलाएंगे झूला झुलाएंगे बाबा जी को यहाँ बैठा के।
हरे राम। जय हो। देखो हनुमान जी। और ये हमने भी एक काना को सजा रखा है यहाँ पे। देखो अच्छे से कड़ा गया शुरू। देखो बहुत प्यारा मंदिर सजा दिया आज। राधिका राधा बनी आज। क्या नाम है? मेरा नाम चीनू है। चीनू, चीनू देखो बहुत अच्छा काम कर रही है। शर्मा रही है आज। एक मंदिर और है कृष्ण जी का, जिम के बगल में ही है मेरे। आपको इसके अंदर जाके दिखाते हैं। हमें बहुत सारे लोग हैं। देखो एक श्री सनातन धर्म माता मंदिर। एक गली और है हमारी कॉलोनी के अंदर। यहाँ का भी मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कैसे सजा रखे हैं आज जन्माष्टमी के उत्सव पे। जन्माष्टमी के उत्सव में कितने अच्छे से मंदिर की सजावटें की गई है यहाँ पे। कान्हा जी को दिल से बुलाया गया है आज। जैसे ही 12 बजेंगे वैसे कान्हा जी यहाँ पे पधारेंगे। जय भोलेनाथ। ये देख लो भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। गुब्बारे सजा रखे हैं मंदिरों पे और बहुत अच्छी सजावटें की गई है। हर वहाँ पे देख रहे हो शनिदेव महाराज जी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे एक ही अनुरोध करूँगा, सब्सक्राइब करना और कमेंट पे हरे कृष्ण हरे राम जरूर लिखना। ये देख लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी। देखो माता रानी भगवती माँ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे मंदिर के अंदर। तो सजावटें जो कर रखी है अशोक कुमार जी ने कर रखी है। चलो अब चलते हैं। एक जस्ट हमारे गली के और सामने एक मंदिर और है, आपको इसके भी दर्शन कराते हैं। आज देख लो ये बच्चे कैसे कान्हा जी बने हुए हैं। प्यारा मंदिर सजा रखा है आज। देख लीजिए जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट पे हरे कृष्ण हरे राम जरूर लिखना भाइयों। क्योंकि हमारी सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म है। सारी अभी हमारे जो भी 12 बजे तक यहाँ पे भजन कीर्तन होंगे। देखिए लड्डू गोपाल जी हमारे पालकी में सजा रखे हैं। मैंने आज आपको सारे मंदिर के दर्शन करा दिए हैं। एक मंदिर ये बचा था और इसके भी करा चुका हूँ मैं। शायद एक और है वहाँ भी जाऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे सनातन धर्म को बहुत आगे पहुँचाओ क्योंकि सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म ही है। और कमेंट पे हरे कृष्ण हरे राम जरूर लिखना आप लोग। यहाँ पे अभी ये माता है, अभी भजन कीर्तन करेंगे यहाँ पे 12 बजे तक। और लड्डू गोपाल देव आपको मैंने दिखाई दिया है। हरे कृष्ण।
मेरे को ये माता जी मिले और इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मेरे को इनका बहुत आभार व्यक्त करूँगा मैं। ये वेट कर रहे हैं रात के 12 बजे का, जैसे 12 बजते हैं कान्हा जी जन्म लेंगे तो ये लोग खुशियों से झूमेंगे आज। दोस्तों ये है चेतन विहार मंदिर, आप देख लो गेट से एंट्री करते वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैट और चटाई यहाँ पे बिछा रखी है, अभी झांकी लगने वाली है अभी यहाँ पे और अच्छा कार्यक्रम होगा यहाँ पे, देख लीजिए अभी झांकी की व्यवस्था हो रही है। वहाँ पे साउंड बॉक्स लग चुका है, ये अंदर फ्रंट गेट का नज़ारा है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो मंदिर में। मैं सबसे पहले आपको भोले बाबा के दर्शन कराता हूँ, भोले बाबा के बाद आपको मैं आगे की वो दिखाता हूँ। हरे कृष्ण, देखो भोले बाबा, देख ले प्लीज। इसके बाद हमारे कान्हा जी दर्शन कर सकते हो आप। हल्का सा झूम करके दिखाता हूँ मैं, कान्हा जी का झूला पालकी में, देखो ये नेक्स्ट। फिर आप भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता रानी, माता रानी और हनुमान जी के सुंदर दर्शन कर लीजिए। तो और पूरे फूलों से सजा रखा है पूरा दरबार, आज पूरा मंदिर सजा रखा है। तो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। यहाँ से भी बंद कर रखा है, अंदर आप परिक्रमा लगा सकते हो, परिक्रमा लगाने के बाद आप, अभी तो बंद कर रखा है इन्होंने परिक्रमा लगाने के लिए। भाइयों यार यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ मैं, और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और कमेंट पे हरे कृष्ण हरे राम ज़रूर लिखना, और वीडियो कैसे लगी आप लोगों को वो भी कमेंट पे ज़रूर लिखना। धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि, और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप पे कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे हमेशा। गुड नाइट मेरे दोस्तों, शुभ रात्रि।